ब्राइटलिन के जहाँ पे भी जहाँ थे वो कैसल बहुत ही डरावना था बिल्कुल. उसमें एक बुड्ढी रहती थी और उसके हाँ दो बेटे, ऐसा मैंने सुना, बेटे को कभी नहीं देखा मैं. आप एक बुड्ढी आती थी बिल्कुल सफ़ेद बाल में, पता नहीं सफ़ेद बाल का क्या ऑब्सेशन है, उनके भी आते थे. उनका एक कुत्ता था जो कुत्ते को लात मारो ना तो लंदन से ईस्ट लंदन वेस्ट लंदन कहीं भी पहुंच जाए, इतना छोटा सा उनका वो एक डॉग था वो. एंड उसको और किसी चीज़ से नहीं है, एज ही सेड, मतलब राइटली ही सेड कि उसको सिर्फ शी वॉज ऑब्सेस्ड विद हर एंटीक्स. उससे भी पुराने एंटीक्स उसके पास पड़े थे. यू नो हाउ ओल्ड इज दिस, ये वो बस पूरे हम जितने दिन मैं वहां था वो उठा लेती थी. फिर सचिन को देखते थे, सचिन ऐसे करता था तो हम भी ऐसे के चुप हो जाते थे. एंड एक्चुअली वो आप जब फिल्म देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा इतना उसमें ऐसा बंगला उन्होंने ऐसे जगह लोकेशन इन्होंने फाइनलाइज किया था जहाँ लाइटिंग की भी जरूरत नहीं थी. अच्छा. और मतलब वो जो पैसेजेस उसके थे रूम्स के बीच में, एक सीन इनको शूट करना था ठंड में, ले गए थे -2. एंड फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ वहाँ पर पढ़ता था कि एक्चुअल आपके जो मोबाइल पे जब आप टेम्परेचर देखते हो तो -2 विद द फील ऑफ -7, मतलब है ना -3. हाँ, रियल फील वैसे जैसे हम लोग यहाँ रहते -31 विद द फील ऑफ 45, राइट, +45. तो वहाँ था वो -2 विद फील ऑफ -11 ऐसे. तो इनको सिर्फ एक कैंडल मूव हो रहा है ऐसे एक्सटीरियर से शूट करना था. एंड जो बच्चे एडीज थे वो बोले कि सर अभी पूरा लाइट ऑफ करना है अंदर का, तो यू वॉन्ट टू कम आउट और यू वॉन्ट टू सेट इन साइड. तो मैं बोला यार बाहर तो बहुत ठंड है, मैं यही बैठता आराम से रूम के अंदर ही. एंड बोले मूवमेंट कुछ मत करना. एंड एक बंदा खाली कैंडल ले जा रहे, ट्रस्ट मी वो सारा मतलब उन्होंने कैसल को अंदर से इंटीरियर को पूरा डार्क कर दिया था. एंड पता है कि लोग बैठे हुए फिर भी आई कुडंट सिट देयर फॉर 30 सेकेंड ऑल्सो. माय गॉड. हाँ, जबकि हम एक्टर हैं, हमको पता है कुछ नहीं है ये, पर इतना तो जो परफॉर्मेंस आपको देखोगे स्क्रीन पे वो एक्चुअल रियल है, क्योंकि वो लोकेशन भी एक्चुअली हॉन्टेड है. लोकेशन भी जेन्युइन. अच्छा, अभी बता रहे हैं. अभी बता रहे सच्ची. कैसल गोरिंग एक्चुअली एक हॉन्टेड लोकेशन है. तो अमेरिका की एक कंपनी ने जो इसको रिसर्च करती है उन्होंने भी रिसर्च किया और इस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया एज अ हॉन्टेड लोकेशन. इट्स ऑन YouTube, यू कैन चेक इट. चलिए, ग्रेट. आई थिंक आपने इतना सब बता दिया है कि अब तो और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है. अब सबको अभी बताया, पहले नहीं बताया था. विक्रम, वी नीड टू टॉक. Where's the producer? So without much ado, I think we should let the media ask a few questions. The stage is open for media question and answers. So can we pass a mic, please? Let's please stick to the movie. Thank you. हटा देते हैं, हटा दीजिए. ऑल राइट, लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज. भूषण जी. जी जी जी, आपके सामने. जैसे हम हॉरर फिल्मों की बात करते हैं तो एक बड़ा ग्लोरियस पास्ट है हिंदी सिनेमा का, जिसमें बहुत सारे सिनेमा का. जी जी. कौन सी ऐसी फिल्म रही है जिसने आपको डराया हो या आपको लगा हो कि इस तरह की? जी, द एग्जॉर्सिस्ट. वो मैं आई थिंक आई वाज 17, 17-18 साल का था मैं जब मैंने देखी थी फिल्म. और मैंने दिन में देखी थी, सुबह सुबह देखी थी. मेरे दोस्त विक्रम भट्ट ने और मैंने साथ में देखी थी. वो भी हॉरर फिल्म बनाता है, मैं भी हॉरर फिल्म बनाता हूँ, दोनों. लेकिन हम सुबह दिन में देखने के बाद भी डर गए थे, बावजूद डर गए थे हम लोग. हमने दिन में इसलिए देखी थी ताकि डरे नहीं शायद, लेकिन फट गई थी सर, बहुत हालत ख़राब हो गई थी. तो एग्जॉर्सिस्ट फर्स्ट, ओमेन थी डरावनी लेकिन एग्जॉर्सिस्ट से बहुत डर गए थे उस वक्त. जी, डेफिनेटली. सचिन, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की फिल्में आपने अलग अलग तरह से रीइन्वेंट किया है खुद को, क्या ऐसी चीज़ है जो आप इस फिल्म से लेकर निकले हैं या देख पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा इसमें संभावनाएं हैं या चीज़ें समझ में आ सकती हैं? वेल, जैसे आप देख रहे हैं सिनेमा प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी किस्म के नए नए टेक्नोलॉजीज़ फिल्मों में आ रहे हैं. मतलब
पहले इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था कि आप VFX पे फोकस कीजिए या आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए. जिस तरह हॉलीवुड में फिल्मों में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, उसी तरह इंडिया में भी अब यूज़ किया जा रहा है. तो वो एक चीज़ मैंने एक नयापन देखा और वो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है. यू नो द फिल्म्स दैट हैव डन वेरी वेल इन 2018, अगर आप देखेंगे बाहुबली है या पद्मावती है, दे आर ऑल VFX ग्रैंडियोस. मतलब जिस तरह हम सुपर हीरो की फिल्में अमेरिका में देखते थे, उस लाइक आई मीन उस तरह की, उस कैलिबर की फिल्में आज इंडिया में बन रही है. सो दैट इज़ अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव सीन एंड आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग फिल्म्स लाइक दैट. सो दिस वाज माय फर्स्ट इनिशिएटिव. ये मेरा पहला मौका पड़ा कि मैं टेक्नोलॉजी को सही ढंग से सिनेमा में यूज़ कर पाऊँ. नरगिस आपके सामने, कितना मिस किया इस बीच आपने भारत को और इंडियन सिनेमा को, फिल्मों को? और जैसे आपने शुरू में ही कहा कि बहुत सारी हॉरर फिल्में आप देखते हैं, आपका फेवरेट जॉनर है. तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म्स हैं हॉरर जॉनर? So first I'll say that I miss India very much and it's so nice to be back and I was super smiley and happy. I actually just landed today so I'm jet lagging. And my favorite horror film, you know, it's kind of difficult because I don't have a favorite, but I don't know. Let's say The Conjuring. Yeah, The Conjuring was good. The Haunting in Connecticut, what is it? Connecticut Haunting. Yeah. Then there was Get Out. It Follows. I mean, there's so many. And now Amavas. That's my favorite. Yeah. My question to Sachin, sir. Any memorable moments from the set you would like to share? Well, the entire experience of shooting a horror film is a memory for itself. Matlab ek aisi location pe jiske bare mein humko kuch nahi pata. एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे अलग अलग किस्म के एक्टर्स हैं, सबका अलग अलग तरीका शूट करने का, द एंटायर कास्ट एंड क्रू शूटिंग एक्सपीरियंस. आई मीन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी वुड बी द हॉरर सीक्वेंसेस. मतलब एक तो पता था कि ये जगह हॉन्टेड है, उसके बाद अगर सबको बताएंगे तो सारे डर जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, और खुद जानते हुए किसी और को बता नहीं सकते, वॉज इट सेल्फ वेरी horrifying experience for me. But at the end, those moments, those horror sequences, matlab jab hum log shoot kar rahe the to wo itna daravna tha, jab usko edit pe dekh rahe ho itna daravna tha, jab wo technology ya VFX ke sath aap dekhoge, it's a experience that I've never seen before. So whole experience of shooting the film was a memorable experience. जैसे कि आपने बताया कि वो हॉन्टेड प्लेस था लोकेशन, तो शूट करने के बाद में एडिट टेबल पे कुछ दिखा आपको? वेल, कोशिश बहुत की एडिटर ने देखने की, ढूंढने की, मिला नहीं ऐसा कुछ. बट यस, एक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दी, इन द सेंस नॉट ऑन द एडिट टेबल बट अदरवाइज वाइल शूटिंग द फिल्म. यू नो, कभी अचानक ही, क्योंकि दो सेक्शन उस घर के बंद थे जहाँ पर हमको बिल्कुल अलाउड नहीं था जाना या हमको उस तरह जाना. एक तो एक इंट्रीक था कि एक बार जाके देखते हैं वहाँ पे उस तरफ क्या, छत पे जाके. तो मैंने एक बार ट्रायल भी किया, बट वाइल शूटिंग इन द नाइट्स व्हेन आई वाज नॉट शूटिंग, भूषण टोल्ड मी अबाउट कपल ऑफ इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस. मतलब सब जो शूटिंग के इक्विपमेंट्स हैं, सडनली कुछ ऑफ हो जाते थे, कुछ ऑन हो जाते थे, बट कोई रीजन नहीं होता. देयर वाज वन रूम, मतलब कोई रीजन नहीं होता था. मतलब एवरीथिंग है, सब जनरेटर में फ्यूल भरा हुआ है, टेक्नीशियंस बराबर लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, बट कोई रीज़न नहीं होता था चीज़ें बंद हो जाने का. फिर उनको स्टार्ट करो, मतलब कुछ टाइम पे गैप्स पड़ते थे शूटिंग में, नो रीज़न, फॉर नो रीज़न. तो वो एक फीलिंग हुई थी. भूषण सर, आपसे एक सवाल है. जी. ऑल द आपने बताया कि VFX रीज़न है रिलीज डेट चेंज करने की, लेकिन क्या एक रीज़न ये भी था कि मतलब मूवीज़ जैसे रंगीला राजा और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्लैश हो रही थी इस मूवी के साथ में, इसीलिए डेट्स चेंज की गई? क्या है ना, देखिए अभी साल में 52 फ्राइडेज ही होते हैं और पिक्चरें तो बहुत ज़्यादा बनती, तो पिक्चरें क्लैश होना तो लाजमी है. वी वर एक्सपेक्टिंग अदर फिल्म्स टू बी टू गेट अ solo release on a Friday is impossible. It's not possible. So
ये रीज़न नहीं है ज़रा भी. अब क्या है जैसे, क्योंकि वो जो फिल्म्स हैं वो बहुत अच्छी फिल्म्स हैं, लेकिन उनका जॉनर अलग है, हमारी फिल्म का जॉनर अलग है. बात वही होगी जैसे कि एक ही दिन पे अगर टीवी पे टेनिस मैच हो और क्रिकेट मैच भी हो और फुटबॉल भी हो, तो क्रिकेट वाले क्रिकेट देखेंगे, टेनिस वाले टेनिस देखेंगे और फुटबॉल वाले फुटबॉल देखेंगे. तो ये टेंशन था ही नहीं मुझे. हॉरर वाले जब मुझे पहले दिन नहीं आते, दूसरे दिन तीसरे दिन आते, और जब आते हैं, जब पता चलता उनको पिक्चर अच्छी है, तब भी आ जाते. तो मुझे रिलीज डेट मतलब सचिन एंड मी नॉट वरीड अबाउट दैट. इट वॉज नॉट के मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन से डरते नहीं. कॉम्पिटिशन तो है, वो तो है, सारी अच्छी फिल्में हैं और जो फिल्में अच्छी है वो चलेगी. बट वी एफ एक्स वॉज द रीज़न, बिकॉज वी एफ एक्स हमें श्योर था कि हमें टॉप क्लास करना है. और अगर हम लोग ही खुश नहीं थे तो हमें ये नहीं था कि हम ऐसे ही रिलीज़ कर दे, फ़ायदा नहीं था. सो 3 weeks इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू अलाउ मी टू सी एडिंग ऑन टू हिम. मतलब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमारा शूट तो जून मई एंड में ही ख़त्म हो चुका था. सो इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू रिलीज द फिल्म ओनली प्योरली बिकॉज ऑफ VFX, टेक्नोलॉजी, SFX, जो भी आप बोलोगे. पोस्ट प्रोडक्शन वॉज द मेजर रीज़न. मतलब काफ़ी दफ़ा कॉन्टम्पलेट किया, आई मीन ऑल द प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी सैट एंड डिसाइडेड कि चलो टारगेट करते हैं. वी वर फर्स्ट अर्लियर टारगेटिंग अक्टूबर नवंबर, वो नहीं हुआ. VFX डिले है, और बेटर करना है. लेट्स गेट सम टेक्नीशियंस फ्रॉम US, यूज देम, लेट्स गेट सम पीपल. सो हर बार जो रीज़न रहा है, इट वॉज ऑलवेज VFX. आई मीन इस बार भी 11th, I've said we were very excited promotion. We started off putting out the trailer, teaser, everything. But same reason again. Can we check the audio? बड़ा दो भाई, बड़ा दो. Okay. तो हर बार जो reason होता है कि एक हॉरर फिल्म में हमेशा कंपैरिजन होता है, अमेरिका में हॉरर फिल्में बनती है. चेक चेक चेक, आ गया. चलो तो जब भी कंपैरिजन होता है हॉरर फिल्म्स का, इंडियन हॉरर फिल्म्स है, ऑडियंस खास करके जब भी देखती है, यार सेम घिसेपिटी, वही गाने होंगे, वही हॉरर होगा, वही भूत होगा, थोड़ा डराएगा और चला जाएगा. स्टोरी नहीं होती हॉरर फिल्मों में. अरे हॉलीवुड की वो कॉन्जरिंग को देखो, उसमें उसका इफेक्ट्स देखो, क्या रियल लग रहा था. सी ऑल दीज फैक्टर्स विच इज़ देयर इन एन ऑडियंस माइंड, दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू चेंज विद दिस फिल्म. के इवन इंडिया कैन मेक हॉरर फिल्म. इंडिया हैज़ क्लासिक हॉरर फिल्म लाइक महल विच वर मेड इन 1960s एंड 70s. देन वी हैड रात विच वॉज डन इन द 90s. वी हैड सच ग्रेट फिल्म. दैट इज समथिंग लाइक राज, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट विद टूडेज टाइम ऑफ अ हॉरर फिल्म. एंड दैट इज वाई देर इज नो कॉम्प्रोमाइज टू मेक श्योर इट रिलीजेज एट द राइट टाइम विद द राइट क्वालिटी. ओके नरगिस, आपसे जानना चाहेंगे. Nargis, how much do you believe in supernatural powers and this Amavas ki raat and all in real life? I believe in God. So if there's God and good, then there must be hell and evil. Right? So I believe. Sachin, Sachin, mera sawal aapse hai. Hi. जब मैं नहीं, जब आप देखते हैं स्केरियस वीएफएक्स, और वीएफएक्स का आपने बहुत ज़्यादा जिक्र किया, लाइक नेवर सीन बिफोर, मतलब कहीं आपको ये लगता है कि जब मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ या मैं हॉलीवुड की बात करता हूँ, स्पेशली मैं बॉलीवुड की बात करूँगी क्योंकि हिंदी सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, क्या हम अब तक वो कर नहीं पाए हैं जो आप करने जा रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से? क्योंकि VFX पे आप बहुत जोर दे रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं. सी, जब मैं VFX के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो इट्स अबाउट मेकिंग इट रियल, मेकिंग इट बिलीवेबल. ये नहीं कि मैंने कुछ अलग कुछ क्रिएट कर दिया, मतलब कोई फैंटेसी क्रिएट कर दी. सो इन दिस फिल्म अमावस स्पेसिफिकली, तो जो भी हमारे सीक्वेंसेस हैं या कहानी को जो नरेशन क्रिएट किया, तो उसको बिलीवेबल करना हैज़ बीन आवर टास्क. और वो चीज़ काफ़ी शॉर्टकमिंग्स में देख रहा हूँ कि हमारी बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में रहा है. मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो दिखता है वो बहुत अलग होता है. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर एंड इंश्योर कि इसमें ऐसा ना हो, इसमें वो इफेक्ट मिले, रियल बिलीवेबल हॉरर फिल्म लगे, इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग. वैसे अगर आप देखेंगे बाहुबली है या पद्मावत है, उन्होंने जो किया VFX, आई मीन
we are not any short of making such big great movies like the way Hollywood has ever done. So we are as a country, as cinema, Bollywood is growing to that level, and I think aane wale time mein aap jo filmein dekhenge, it's going to be at par of what Hollywood cinema is making. Any more questions? All right, so iske pehle, Palak, please stay. Isse pehle ki hum photo op kare, I would like to call on stage the gorgeous voice and the gorgeous lady herself. Palak, please come on stage. Yeah. Aise kaise ho sakta hai ki hum aapko yahan se bina do line gaaye jaane de. Check. I would also like to call on stage Mr. Sanjeev Darshan and Mr. Aditya. Sanjeev Darshan ji, jinhone music direct kiya, Aditya the music arranger. Please, can we have you guys check, on stage? Check. So Palak, only if I could just compare and tell people ki aap zyada achhi dikhti hain ki zyada achhi gaati hain. You look as stunning as your voice and Thank the songs you, are beautiful. I think event shuru hone ke pehle for one full hour humne aapki awaaz suni hai. To ab to hum sabke zehen mein aa gayi hai, aaj hame sapne aane wale hain. Bhooton ke with your beautiful voice in the background, so that's going to be quite a sapna. But sapne ko haqeeqat banate hain. Yahan par sure. Do line aapke pasandeeda gaane ki from the film Amavas. Check. Yeah. Can you just increase the volume of the mic and give me some reverb, please? Whoever. Yeah, we're doing that. Reverb. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. दो गाने हैं मेरी फिल्म में जो कि संजीव दर्शन जी ने कंपोज़ किए हैं. इतना सारा प्यार मिला है, इतने सारे मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पर. सो थैंक यू हर गाने की तरह इस गाने को भी इतना सारा प्यार देने के लिए. एंड यस हियर्स धड़कन. एंड मैं चाहती हूँ संजीव जी अगर मेरा साथ दें. I check. Hello, mic check. On? Yeah. सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए. जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए. मेरी धड़कन, तेरी धड़कन, दोनों एक है तड़पन. मेरी धड़कन, तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन. My I would God, like to that wish beautiful. The whole cast and crew and Sachin sir, Narkesh ji, everybody, all the best for the film, and thank you so much Bhushan sir for using my voice for the song. Thank this you. Was haunting and soulful at the same time, so thank you. And iske aage main jitna bolungi wo kam lagega ab aapki awaaz ke baad. So let's have a quick photo op. Ek badhiya si photo nikalte hain, ladies and gentlemen. That's once again I would like to remind you guys that the release date of the film Amavas now is 1st of Let's also have Shreya Kulkarni on stage, popular today as the Bhootni of the hour, stealing away the show this evening. Thank you.
Thank you so much, ladies and gentlemen, for sparing some time this evening. It was lovely meeting all of you. Until next time, main hoon Rangeeli, great weekend.